बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आप अपने किचन में बना रही हूँ शाही हलीम, जो शान मसाले के साथ। जो देखिए, शान के एक पैकेट में एक मसालों का पैकेट होता है और एक ग्रेन्स का पैकेट होता है, जिसमें दालें होती हैं, गंदम और जौ वगैरह शामिल होता है। तो ये देखिए दालों का पैकेट है जिसको मैंने ओपन कर लिया है। तो आपने इन दालों को अच्छी तरह से साफ करके धो लेना, आधे घंटे के लिए इसको पानी में भिगो देना। और अब मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुकर लिया है, उसमें ऑयल डालूँगी और ऑयल के अंदर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जी, तो अब ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है और ये मैंने बीफ लिया था तकरीबन 1 किलो, इसको मैंने प्याज में शामिल कर दिया। मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इस बीफ को इसमें फ्राई करूँगी। तो अब ये देखिए हमारा बीफ फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अब। और उसके बाद फिर सब इसमें 6 से 7 अदरक और 2 मीडियम साइज़ के खूबसूरत से लाल टमाटर हैं, जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ ही मैं जो शान का मसाला मिक्स था वो मैं सारा इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से अपने कोरमे को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। तो अब मैंने कोरमे को अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसको इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास जो है वो पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। और फिर मैं कुकर की जो है वो सीटी तकरीबन 10 मिनट के लिए चला दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए अब हमारा 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल दिया कुकर को। देखिए कि उसके अंदर खूबसूरत और लजीज कोरमा हमारा तैयार है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी क्योंकि हलीम का जो सारा टेस्ट है वो इस कोरमे की भुनाई पे मुनसिर होता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है, तभी आपके हलीम का टेस्ट अच्छी डिवेलप होगा। और इसमें मैंने 1 प्याली दही शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद कोरमे को अच्छी तरह से भून के आपने कुकर में से निकाल लेना है। गोश्त को कुकर में से मैंने निकाल लिया और अब मैं इसमें जो दालें मैंने धोकर साफ़ करके भिगोई थी उनका पानी निकाल कर और दालें मैंने उसी कुकर में डाल दी हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया तक। और फिर अब मैं इस कुकर को कि सीटी चलाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखिए मैंने हमारी दालें भी अच्छी तरह से रेडी हो गई हैं। सब देखिए ये हमारी दालें गल गई हैं अच्छी तरह से। अब इनको मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं या आपके पास अगर घोट है तो आप इसको उससे भी अच्छी तरह से घोट सकते हैं। ब्लेंडर को आपने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए चलाना है। अगर इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा, दालें बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म बन जाएगी और इसमें जो है वो उनके गंदम के और जौ के जो है वो आपको टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए मैंने अब गोश्त को जो मैंने रेशा रेशा कर लिया था कांटे की मदद से वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने जग में डाल के इसको गोश्त के साथ दालों को नहीं ब्लेंड करना बल्कि दालों को अलहदा से ब्लेंड करना है और गोश्त को रेशा रेशा करके डालना है, वरना आपको हलीम का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैं इसको अपने हलीम को पका कर गाढ़ा कर लूँगी। ये देखिए हमारा हलीम पककर तैयार हो गया है और किस कदर खूबसूरत और शानदार हलीम तैयार हुआ है। अब इसको मैं प्याज ब्राउन प्याज से गार्निश कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चे मैंने शामिल कर दिए और सब्ज़ धनिया लेमन और अदरक से इसको गार्निश कर लूँगी। Thank you.
जी तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।